नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी में, आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आप नेता के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि विपक्ष के हर कोई नेता जो मजबूती से लड़ रहे हैं उनके खिलाफ समन भेजा जा रहा है और छापेमारी की जा रही है। ये सब इसी मंशा से किया जा रहा है ताकि ये भी चुप हो जाए। उन्होंने संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला हुआ है और अन्य नेता को जेल में डाला गया है। ये सब राजनीति से प्रेरित काम कर रहे हैं। तो वहीं आगे कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्स कार्यक्रम है जो सिर्फ दिल्ली दरबार से चलता है, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ही चला सकते हैं। क्या कुछ कहा पहले सुनिए। जो कार्यक्रम शुरू किया है, हर मुख्यमंत्री सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी से अपोज्ड है और हर कोई नेतागण जो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कार्यक्रम शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो दिल्ली तक पहुंचा है। और कोई हैरानी की बात नहीं है कि जिस तरीके से छापे डाले जा रहे हैं, समन्स दिए जा रहे हैं, पीएमएलए कोर्ट को भी अप्रोच किया है, तो कहीं ना कहीं ये इस उससे हो रहा है, मंशा से, कि इनको भी चुप कराने का काम किया जाए। संजय सिंह जी को जेल में डाला हुआ है, आपने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला हुआ है, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला हुआ है, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला हुआ है, संजय राव जी के केस में भी हमने देखा कि कैसे उनको जेल में डाला और जब उनका केस हियरिंग हुई, कहा गया सिविल केस को क्रिमिनल केस करने का काम किया है और बहुत फटकार लगी थी ईडी को। तो ये सब राजनीति से प्रेरित काम है और भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है जो सिर्फ दिल्ली दरबार से जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के साथ बिहार की राजनीति में बदलाव को लेकर कई बातें कही। झारखंड में मुख्यमंत्री बनने में वक्त लग गया, लेकिन बिहार में जैसे ही सरकार बदलने की बात आई, तुरंत कुछ क्षण में ही सरकार बदल गया। क्या कुछ कहा सुनिए। तो हाईकोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आम आदमी पार्टी उसका जवाब दे पाएगी, यहाँ की सरकार जवाब दे पाएगी। पर इस बात में भी सत्य है कि जिस तरीके से गवर्नर हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हो, वो दखल अंदाजी दे रहे हैं सरकार चलाने में। हमने हेमंत सोरेन जी के केस में देखा कि 24 घंटे से ज्यादा लग गए सरकार की ओथ टेकिंग के लिए, और वहीं हमने बिहार में देखा कि कुछ घंटों में ही उनको का पार्टी चेंज कर लेते हैं, पार्टी अलायंसेस चेंज कर लेते हैं, उनकी स्वेरिंग इन हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस को लेकर, महाराष्ट्र के केस को लेकर, बकायदा गवर्नर के काम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल करार दिया है। तो इस तरीके से जो फेज ऑफ होता है, कोऑपरेशन की जगह कन्फ्रंटेशन होता है, और जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो पॉलिटिकल नजरिए से काम करते हैं, ना कि जो उनको जिम्मेदारी एज अ चेयर मिली है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।